पास्ट किस तरह की फिल्म है, इसमें आप काम करने का कैसे मौका मिला? पास्ट एक हॉरर फिल्म है और बहुत ही अलग टाइप की फिल्म है, बहुत एंटरटेनिंग है. मुझे मौका ऐसे मिला कि गगन जी जो डायरेक्टर है हमारे, उनको मैं पहले से जानती थी, तो उन्होंने मुझे ऑडिशन पे बुलाया एक रोल के लिए, दिशा के रोल के लिए, जो वेदिता की फ्रेंड है इस मूवी में. तो उनको ऑडिशन अच्छा लगा, वैसे मेरा सिलेक्शन हो गया. अपनी शुरुआत के बारे में, थोड़ा जर्नी के बारे में बताएं, किस तरह से इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत हुई? इंडस्ट्री में एक्चुअली व्हाट द फिश नाम की मेरी मूवी आई थी 2013 में. तो वैसे शुरुआत हुई है, उसके यहाँ पे ऑडिशन दिया था मैंने, तो वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था. और फिर कुछ कमर्शियल्स किए हैं, मराठी मूवी भी एक की है, और अब ये थर्ड फिल्म है. समीक्षा जी, आप इसमें भूतनी बनी है, तो ये भूतनी बाकी फिल्मों से कितनी अलग है? ये भूतनी एक्चुअली इस भूतनी का एक पास्ट दिखाया है. जनरली जो हॉरर फिल्म्स मैंने देखी हैं उसमें पूरे में बस भूत डराता रहता है, और इसमें एक अच्छी स्टोरी है इस भूत के पीछे. तो आप सीता भी बन चुकी हैं, सीता से लेकर भूतनी तक के पास्ट तक के यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह की जर्नी रही इस बीच? मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं अलग अलग शोज़ में. जैसे मैंने तोता वेड्स मैना में आरती का कैरेक्टर किया था, जो कि तोता वेड्स आरती था पहले. ऐसे मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं, और मैं सारे कैरेक्टर्स जनरली कोशिश करती हूँ कि एक दूसरे से काफ़ी अलग हो. जीरो लाइन में मैंने एक बहुत ही शाय मुस्लिम स्कूल गर्ल का कैरेक्टर किया था. सुना इस फिल्म की शूटिंग हॉन्टेड प्लेस पे हुई पहले से, तो वहाँ पर ऐसी डरावनी जगह शूटिंग करने का कैसा अनुभव रहा? हम लोगों को एक्चुअली पहले पता नहीं था कि वो हॉन्टेड है. हम लोगों को मना किया गया था कहीं कहीं जाने के लिए, जैसे एक पॉन्ड था बहुत बड़ा, उसके पास जाने के लिए मना किया था. बेसमेंट पे मतलब अकेले रहना सेफ नहीं था ऐसा बताया गया था, पर हमें लगता था कि मजाक चल रहा है. लेकिन धीरे धीरे करके ऐसी चीजें होने लगी तो हम लोगों को रियलाइज होने लगा कि हाँ, ये सच में हॉन्टेड है. बताएं फिल्म के बारे में. ये पूरी तरीके से हॉरर फिल्म है, और बहुत अच्छे गगन सर ने डायरेक्ट किया है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है फिल्म, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, नया, बिल्कुल नई फिल्म है, नई स्टोरी के साथ है, ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी. किस तरह की स्टोरी होगी बेसिकली? स्टोरी तो अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं पूरी तरीके से, लेकिन स्टोरी बिल्कुल नई है, हॉरर से, पुरानी हॉरर फिल्मों से बहुत अलग है और बहुत अच्छे तरीके से. इसमें ऐसा क्या खास है जो दर्शक इसको देखने के लिए जाएं? पास्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रेजेंट में किस तरीके से सामने आती है, उससे रिलेटेड फिल्म है ये. रियल लाइफ के ऊपर ली गई है या रियल है? रियल से ही है, इंस्पायर्ड तो रियल से ही है, लेकिन पूरी तरीके से हम रियल इसे नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, रियल से रिलेटेड है ये. आपका नाम जानना चाहेंगे और किस तरह से जुड़े हैं आप इस फिल्म से? क्या गगन पुरी धर्म डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी. तो ये जो कह रहे हैं कि ये रियल स्टोरी है, एक्चुअली इस मूवी जो पूरी बेस्ड है वो रियल स्टोरी पे ही बेस्ड है. जो संदीप आले जी, उन्होंने कंटेंट निकाला था जो एक बाहर की कंट्री में हुआ था, तो उसके बाद हमने इस पर वर्कआउट करना शुरू किया. फिर एट द एंड ऑफ द डे लाइक हमने पूरा स्टोरी को हमने पूरा वर्कआउट करके उसको मेरे में शूट किया हम लोगों ने इसको. फिर कहाँ कहाँ शूटिंग की है इसकी फिल्म की? इसका एक तो मनोहर में हुआ है शूट, पालघर के पास, और एक दो तीन दिन का शेड्यूल हमारा बॉम्बे में था, ये फ्यूचर स्टूडियो. किस एक्शन इसमें दिखाई देगा, किस तरह का? इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये सिर्फ हॉरर है, तो कम्प्लीटली हॉरर मूवी. इसमें कुछ भी एक्शन ऐसा नहीं है कि कोई उड़ के गिर रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर. सोलली एक बेस जो स्टोरी बोलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हॉरर, जिसमें आप साउंड इफेक्ट से, क्रीपी फेसेस से, और जिसको बोल सकते हैं आप ड्रैगिंग से, इन सब चीज़ों से डर सकते हैं आप, और एक एम्बियंट साउंड जो है वो चीज़. कब तक ये रिलीज होगी ये फिल्म? जी, मूवी जो रिलीज होगी वो 11 मई को होगी, 11th ऑफ मई को ऑल ओवर इंडिया. अभी तक तो 11 ही है जो फिक्स है, पूरी तैयारी हो चुकी है. आप क्या कहना चाहेंगे पाजी, किस तरह से जुड़े हैं इस फिल्म से? मेरा नाम जसपाल सिंह है, आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म, और हॉरर बेस्ड फिल्म है, अभी बताइए आपको भी. काफ़ी हटके फिल्म है, एकदम साउंड वाइज भी बहुत अलग ट्रीटमेंट है इसमें,
और मेकिंग वाइज भी गगन जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है, हमारे आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है सबने, और बढ़िया फिल्म है हॉरर। बड़ा मुश्किल होता है हॉरर फिल्म पे पैसा लगाना, ऐसा क्या आपको स्टोरी में लगा कि आपने हॉरर फिल्म पे पैसा लगा दिया? सबसे पहले कवर बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी, ये बात आपकी सही है, लेकिन सबसे पहले एक तो ये ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस्ड फिल्म है और इसकी कहानी बहुत अच्छी है, मतलब कुछ ट्विस्टिंग है, हर 10 मिनट बाद आपको कहानी एक मोड़ लेते हुए नजर आएगी। और उसके अलावा जो हमने शूट भी किया है वो मतलब कोई फेक नहीं किया हुआ ज़्यादा, भाई हवा में उड़ रहे हैं जी, किसी की गर्दन काट रहे हैं, कोई मतलब ब्लड्स मतलब काट पीट हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं इसमें। तो बहुत अच्छी मतलब हॉरर दिखाने की पूरी कोशिश की गई है, रियल उस पे। रोमांस भी देखने को मिलेगा इस फिल्म में? नहीं सर, रोमांस नहीं है इस मूवी में, सिर्फ हॉरर, हॉरर ऑनली हॉरर है, हॉरर से रिलेटेड है, पूरी हॉरर, पूरी हॉरर। हॉरर वाली जो ऑडियंस जो है, जिनको हॉरर पसंद है, उनके लिए बहुत अच्छी फिल्म है ये। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।